नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप मोबाइल रिपोर्टर देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आकिब शेख। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी जिला किला घाट दरभंगा की ओर से मंगलवार को मदरसा हमीदिया परिसर में आम जनता एवं खिलाड़ियों अखाड़ियों के साथ मुहर्रम पर्व को लेकर बैठक आयोजित की गई। इसमें दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष डब्बू खान, महासचिव रुस्तम कुरैसी एवं कोषा अध्यक्ष पप्पू खान ने संयुक्त रूप से बैठक में भाग लिया। बैठक के उपरांत अध्यक्ष डब्लू खान ने कहा कि 2 साल से पूरी तरह कोरोना महामारी से परेशान है। वहीं बुधवार को मुहर्रम की पहली तारीख है, जिसे लेकर मंगलवार को ये विशेष बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा कि पिछले साल कोरोना संक्रमण की पहली लहर को देखते हुए सभी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध लगाया गया था। इस बार दूसरी लहर भी कई पर्व त्योहार एक जगह इकट्ठा होकर नहीं मनाया गया। वहीं हमारे सामने तीसरी लहर आने वाली है, जिसको देखते हुए सरकार और जिला प्रशासन ने किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन पर पाबंदी लगा रखी है, जिसको देखते हुए फैसला लिया गया है कि उन्होंने कहा कि सरकार का दिशा निर्देश जो भी मिला उसका हम पालन करते हुए हम लोग इसी तरह से आयोजन में, जिसमें अखाड़ों द्वारा नियमावसी का प्रोग्राम सहित मिलान के अलावा मिट्टी लाने का रस्म की अदायगी होती थी और विभिन्न अखाड़ों के द्वारा मोहल्ले में जगह जगह मुहर्रम का खेल भी होता था, सभी कार्यक्रम को रद्द करने का फैसला लिया गया है और सभी अखाड़ों से आग्रह किया गया है कि इस निर्णय का पालन करते हुए अपना अपना सहयोग करें। वहीं महासचिव रुस्तम कुरैसी ने कहा कि कोरोना का भय अभी भी सिटी और हम सबको देखने को मिल रहा है। हमारे सामने तीसरी लहर भी आने वाली है, जिसे देखते हुए जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से होने वाले सभी कार्यक्रम को रद्द किया गया है। वहीं उन्होंने आम जनता और अखाड़ों से आग्रह करते हुए कहा कि जो भी दिशा निर्देश सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा मिलेगी हम लोग उसका पालन करेंगे एवं 100% पालन करने की कोशिश भी करेंगे। सभी लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की महामारी देश दुनिया को से खत्म हो ताकि पहले की तरह सभी पर्व त्योहार एक साथ एक जगह अच्छे से मनाया जा सके। संक्रमण को बढ़ने से रोकना है तो दिए गए दिशा निर्देश का पालन करना होगा। नहीं करें उनको समझाने का काम करेंगे, इसीलिए आज बैठक था। आज के अलावा हर मोहल्ले में भेजा जाएगा जो टीम का व्यवस्था किया गया। नाम बताइए। जिला मुहर्रम कमेटी खजांची पप्पू खान। मुहर्रम कमेटी की आज अहम बैठक हुई थी, क्योंकि कल मुहर्रम पहली तारीख है और जैसा कि मालूम है कि पिछले 2 वर्षों से हमारा देश जो है कोरोना से जंग लड़ रहा है और अभी भी हम इससे उबर नहीं पाए हैं। सेकंड फेज आया था गालिबन अप्रैल में, इतनी बुरी स्थिति थी और डॉक्टरों ने थर्ड फेज की भी जो है आशंका जताई है, जिसके तहत बिहार सरकार ने लॉकडाउन लगाया और कुछ रियायतें भी दी है, अभी छूट भी मिली है, लेकिन मंदिर और मस्जिद को बंद रखा गया है और कोई भी धार्मिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर नहीं करने की मनाहट है, जिसकी वजह से हम लोग पिछली बार भी लॉकडाउन का पालन किए थे और सारे अपने जो मुहर्रम के प्रोग्राम थे उसको स्थगित किए थे। हम लोग भी जो मुहर्रम कमेटी, जिला मुहर्रम कमेटी का जो अपना प्रोग्राम होता था, जैसे नुमाइशी का प्रोग्राम है, पहली तारीख को पुट्टी लाने का प्रोग्राम होता था और शीढ़ी चढ़ाने की 8वीं मुहर्रम को और मिलान वगैरह, सारी चीज़ों को हम लोगों ने स्थगित किया।